अंजाम दे रही है। इसके जरिए आईएसआई अपनी पसंद के शख्स को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए एक ऐसी बिसात बिछाई गई है जिससे जनता के पास चुनने का रास्ता ही बंद हो गया है। पाकिस्तान में थम चुका है चुनाव का शोर, अब जनता को सुनाना है अपना फैसला। लेकिन चुनाव के मैदान में पीछी है जनता को फंसाने की बिसात। आईएसआई ने तैयार किया है साजिशों का भवन। पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव में अब फैसले का वक्त आ गया है। करीब 11 करोड़ लोगों के मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब जनता को ये तय करना है कि उनका अगला नेता कौन होगा। लेकिन पाकिस्तान में इस बार हो रहा ये आम चुनाव वैसा नहीं है जैसा दुनिया के दूसरे देशों में होता है। यहाँ पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने साजिशों का ऐसा भंवर तैयार कर दिया है जिसमें जनता पूरी तरह फंस चुकी है। पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव में वहाँ की सेना और आईएसआई किसी राजनीतिक दल की तरह मैदान में है। उनकी कोशिश अपनी पसंद के व्यक्ति को कुर्सी तक पहुंचाना है। इसके लिए उन्होंने ऐसी विसात बिछा रखी है जिससे कि पाकिस्तान की जनता चाहे जिसे भी अपना नेता चुने, आईएसआई की पसंद का व्यक्ति ही कुर्सी पर बैठेगा। पाकिस्तान में सेना अब तक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने के लिए बदनाम रही है, लेकिन इस बार वो चुनाव के रास्ते गद्दी पर कब्जा करने का ख्वाब देख रही है। उसकी कोशिश उन आतंकियों और कट्टरपंथियों को कुर्सी तक पहुंचाने की है जिन्हें वो दशकों से अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करती रही है। इसके लिए उसने इमरान खान को मुखौटा बनाया है जो मतदान की तारीख आते आते सबसे मजबूत उम्मीदवार बन गए हैं। इस बारी आईएसआई ने पूरी कोशिश की है कि एक ऐसा कैंडिडेट मैदान में लाया जाए जो कि उनके कहने पर चले। इसलिए इमरान खान जो है अब धीरे धीरे सबके ऊपर भारी हो रहा है क्योंकि उसे आईएसआई और फौज की पूरी जो है सपोर्ट वो अवेलेबल है। इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए आईएसआई ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसके हर दरवाजे पर हाफिज सईद जैसा आईएसआई का एक भरोसेमंद आतंकवादी बैठा हुआ है। आईएसआई ने इमरान खान को पाकिस्तान के आतंक के चार बड़े चेहरों का मुखौटा बनाया है जो हाफिज के यार हैं। आईएसआई की साजिश इतनी गहरी है कि अब जनता भले ही किसी को भी नेता चुने, पाकिस्तान की कमान हाफिज और उसके चार यार ही संभालेंगे। हाफिज के ये चार यार अलग अलग बैनर के तले चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन इन सब का मकसद इमरान खान को अपनी कठपुतली बनाकर कुर्सी पर बिठाने का है। पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान फौज की ये उनका मंसूबा है, ये उनका प्लान है। पाकिस्तान की फौज की सिर्फ एक ही मंशा है, जो भी सरकार वहां पर बने वो एंटी इंडिया होनी चाहिए। आईएसआई ने इस चुनाव में हाफिज के साथ साथ चार कट्टरपंथी संगठनों को मैदान में उतारा है। इमरान की मदद के लिए उतरे चार कट्टरपंथी संगठनों में पहला नाम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का है जिसके नेता मौलाना खादिम हुसैन रिजवी हैं, जिन्होंने हाल ही में ईश निंदा कानून को लेकर बड़ा आंदोलन किया था। एक बात कहता है ये इस्लाम का कमाल है, लोग कहते थे इनके पास उम्मीदवार कहां से आएंगे और हमने चुनाव ऐसे बंदे खड़े कर दिए, लोग सोच नहीं सकते थे गुंडों के मुकाबले में। मौलाना खादिम हुसैन के बाद इमरान की मदद के लिए उतारा गया दूसरा कट्टरपंथी नेता हजारों लोगों के कत्ल का आरोपी है। इस कट्टरपंथी नेता का नाम मोहम्मद अहमद लुधियानवी है जिसने अहले सुन्नत वल जमात नाम की पार्टी बनाई है। ये इसी बैनर के तले चुनाव के मैदान में है। इस शख्स पर 2300 शियाओं के कत्ल का आरोप है। इस्लाम समझ करके शिया को वोट दे लेंगे, ये कहे कि शिया को वोट देना है, इस्लाम को वोट देना है, पीछे से पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए, दोगे? जानकारों के मुताबिक खादिम हुसैन रिजवी और मोहम्मद अहमद लुधियानवी जैसे कट्टरपंथी नेताओं को आईएसआई ने एक बड़ी साजिश के तहत अलग अलग तरीके से मैदान में उतारा है।
चुनाव के दौरान ये इमरान खान के विरोधियों का वोट काटने का काम करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद इमरान को समर्थन दे देंगे। जो पार्टियां हैं, दो कट्टरपंथी पार्टियां, दो दहशतगर्दी पार्टियां, ये मिलकर इसलिए खड़ी की गई हैं ताकि जो कमोपेशी रह जाए इमरान खान के वोटों में वो ये पार्टियां पंजाब से हासिल कर सके। इमरान को मुखौटा बनाकर आईएसआई जिन आतंकियों को संसद पहुंचाने की कोशिश में है उसका तीसरा नाम है फजल उर रहमान का, जो पाकिस्तान की सियासत का जाना पहचाना चेहरा है। आईएसआई के बिसात पर तीसरा मोहरा फजल उर रहमान है, जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के नेता हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल पाकिस्तान में कई छोटे कट्टरपंथियों का समूह है। फजल उर रहमान पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की वकालत करते रहे हैं। मौलाना फजल उर रहमान जमात उलेमा इस्लाम के नेता थे। बाद में उन्होंने कई कट्टरपंथी दलों को एकजुट किया और मुत्तहिदा मजलिस अमल नाम का गठबंधन तैयार किया। पाकिस्तान पर हुक्मरानी किनने की, किन लोगों ने की, मैं समझता हूँ कि जो इस्लाम की अबजद से वाकिफ नहीं थे, जो इस्लाम की रुख से वाकिफ नहीं थे, सत्ते रिसाला उन्होंने हुक्मरानी की। हाफिज के इन तीन यारों के अलावा एक चौथा चेहरा भी है जिसे इमरान खान का साथ देने के लिए आईएसआई ने उतारा है। ये शख्स अंतर्राष्ट्रीय आतंकी है। इस शख्स का नाम फजल उर रहमान खलील है, जो आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन का संस्थापक भी है। अमेरिका ने इसे आतंकी घोषित कर दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मतदान से पहले ही इमरान के पक्ष में अपील जारी कर चुका है और इमरान को समर्थन देने की बात भी कह चुका है। इन सब के अलावा हाफिज ने भी आईएसआई के हुक्म के मुताबिक इमरान को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए बिसात बिछाई हुई है। इसी बिसात के दम पर हाफिज पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में लेने का ख्वाब देख रहा है। आईएसआई ने हाफिज और देश के चार बड़े कट्टरपंथी संगठनों को चुनाव के मैदान में उतार कर एक ऐसी बिसात बिछाई है जिससे इमरान खान का सत्ता तक पहुंचना लगभग तय है। लेकिन शातिर आईएसआई ने भी ये इंतजाम किया है कि इमरान बहुमत के आंकड़े को ना छू सके ताकि वो हाफिज जैसे आतंकियों की बैसाखी पर ही रहे और एक कठपुतली की तरह आईएसआई के इशारों पर काम करे।